हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टर फोर स्टॉक रिजल्ट्स ऑफ एंड आनंद राजकी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हम जानेंगे कि क्या मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आफ्टर द रिजल्ट बाय सेल या होल्ड करने वाला हूं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि जितना भी कॉन्टेंट हम इस चैनल पर रखते हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें चलिए अब मैं बता दूं रिसेंटली हमने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ जहाँ पे हमने सी डी एस एल आई एन एक्सचेंज आई टी सी की बात की है साथ ही साथ हमने एक डिटेल एनालिसिस किया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का और क्या रह सकता है इलेक्शन का इम्पैक्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए तो आप इन वीडियोज़ को जाके भी एक बार ज़रूर देखिए चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की टीसीएस जिनका जिसका रिजल्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप देख सकते हैं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है दैट हैज बीटन द मार्केट एस्टिमेट्स और जो इनका रेवेन्यू है वो 3.5 परसेंट अप आपको देखने के लिए मिला है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कंपनी के सी है उन्होंने बताया है कि जो ये पर्टिकुलर क्वार्टर था यहाँ पे काफी बड़ी डील्स की एग्जीक्यूशन हुई है और जो इनके ऑपरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 26% तक अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं इसका आपको लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन दिखाऊं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आप देख सकते हैं 60,583 करोड़ की जो सेल थी वो बढ़कर 61,237 की हो गई है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसन 16,388 करोड़ का था जो बढ़कर 17,164 करोड़ का हो चुका है टी के लिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पिछले तीन साल से आईटी इंडेक्स और आईटी कंपनीज हैव बीन अंडर द प्रेशर ड्यू टू स्ट्रांग फुट होल्ड और यू कैन से ड्यू टू लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इवन फ्रॉम द यू स्पेशली जिसके कारण इनके मार्जिन आपको सिंक होते हुए दिखाई दिए थे एज ऑफ नाउ वट आई कैन सी इज जो कंपनी के मार्जिनस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुके हैं कंपनीज़ को बड़ी बड़ी डील्स दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए मिल रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट आप कंपनी के सेल्स में देखने के लिए मिल सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स अभी के टाइम पे एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा है टी और ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को अक्यूमलेट करने की सीधा लेके चलता हूं मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट में तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप करता हुआ दिखाई दिया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी जंप करता हुआ दिखाई दिया है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ट्वेंटी से ट्वेंटी का आपको देखने के लिए मिल रहे हैं विच इज क्वाइट स्टेबल अगर आप देखिए तो प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में 27 परसेंट ही थे साथ ही साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आपको राइज करता हुआ दिखाई दिया है 11,000 करोड़ से 12,502 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 11,436 करोड़ से 12,502 करोड़ फाइव के लिए सो कंपनी इज प्रेजेंटिंग दी हाइएस्ट एवर नेट प्रॉफिट द कंपनी इज प्रेजेंटिंग हाइएस्ट एवर एनपीएस एंड सेल्स तो आफ्टर द कामेंट्री और आफ्टर द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जो टी सी एस ने दी है दे से देर इज अ वेरी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी दैट दे आर गोइंग टू इवन हैव अ बेटर रेवेन्यू विद द करंट डील्स इन हैंड गोइंग अहेड, राइट तो ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर्स और फर्दर फ्यूचर के क्वार्टर के रिजल्ट में देखने के लिए मिल सकता है आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है 72.30 से 72.41 किया है मार्च का यहाँ पे अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा 12.47 से 12.46 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा दिया था राइट right? और आप देख सकते हैं यहां पर पब्लिक के पास ओनली फाइव का स्टेक बचा हुआ है तो मुझे लगता है कि टीसीएस अगर कभी भी आपको नीचे मिलता है आ, मैं आपको इसके लिए चार्ट पे लेके चलता हूँ कभी भी आपको अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 3600 के आसपास मिलता है तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अ लिमिटेड डाउनसाइड हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक आज से दो साल पहले भी डिस्कस किया था और आपको मैंने कंटिन्यूसली बताया था कि थ्री एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लगता है मुझे टी के स्टॉक के लिए और एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो टी अपने ऑल टाइम हाई से 2000 थाउजेंड पॉइंट नीचे है या टू थाउजेंड रुपीज़ नीचे है एक बार मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को डेली बेसिस पे आपको करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो टी है वो भी रिसेंटली यूएस के मार्केट के साथ इवन द मार्केट जब करेक्ट हो रहा था तो टेन अपने टॉप से करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया और अभी के लिए एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक का थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ एट हंड्रेड एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है आपको स्प्रेड करके बाइंग करनी चाहिए आपको वन थर्ड वन थर्ड करके बाइंग करनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में कभी भी डाउनफॉल पे आपको यह पर्टिकुलर स्टॉक मिलता है तो आपको यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन करना चाहिए टीसीएस के स्टॉक में कल के दिन और यानी कि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है बिकॉज ऑफ इसराइल एंड ईरान के जो वॉर इश्यूज है उसके कारण ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव है तो हो सकता है कि आपको टीसीएस में भी एक करेक्शन देखने के लिए मिले और अगर ऐसा होता है और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको कभी भी 3900 से 3800 के बीच में मिलता है तो आपको यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और वन थर्ड पैसा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना चाहिए राइट जितना आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाते हैं लॉन्ग टर्म के हॉराइजन पे ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे काफी पॉजिटिव लगता है और एक बार ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 4200 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए राइट right? अभी 4008 पे है अगर ये स्टॉक 4248 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां पे आपको एक और मैसिव रैली आते हुए दिखाई देगी एज ऑफ नाउ आप ये देख सकते हैं ये जो 3800 एट है ये काफी अच्छा सपोर्ट बन गया है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये जो कैंडल आपको देखने के लिए मिली है मार्च की यहाँ पर रीटेस्ट भी होते हुए दिखाई दी है तो ये एक तरह से कन्फर्मेशन आप मान सकते हैं कि यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्दी ही फोर्टी टू हंड्रेड राइट और उसके बाद ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो जाएगा और ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है राइट right? तो टी को आप अपनी रडार पर रखिए कभी भी अगर आपको डिप पे मिले तो यहाँ पे एक्यूमलेट करने के बारे में सोचे राइट थर्टी एट हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड स्ट्रांग सपोर्ट मुझे लगते हैं टी के जो नेक्स्ट स्टॉक है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आनंद राठी का तो आनंद राठी यस yes, आप देख सकते हैं आनंद राठी का जो स्टॉक है 143 करोड़ का यहाँ पे सेल्स कर रही थी मार्च 2023 में जो बढ़कर अभी आ, आया है 184 करोड़ रुपीस का हाउ एवर क्वार्टर वन क्वार्टर में अगर आप देखें तो मार्जिनल सा इम्प्रूव देखने के लिए आपको मिला है और कंपनी का अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिएशन आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है ऑन क्वार्टरली बेसिस हाउएवर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे जंप है करोड़ बट फेयरली आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को एवरेज समझ सकते हैं कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको गिरते हुए दिखाई दिए है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और अगर आप देखें तो यहाँ पे 42.7 करोड़ का मार्च टन ट्वेंटी थ्री में कंपनी प्रॉफिट कर रही थी जो बढ़कर 56.9 33% ऊपर चला गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सब सिमिलर है और यहाँ पे आपको स्पाइक देखने के लिए मिला है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस सीधा मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ आपको ये है कब आनंद राठी और आप देख सकते हैं चार हजार रुपये का ये भी स्टॉक है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे टू पॉइंट सिक्स वन परसेंट अप था कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है 16,769 थाउजेंड हंड्रेड सिक्सटी नाइन करोड़ रुपी की इसकी मार्केट कैप निकल के आती है स्टॉक का पी सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव है विच इज स्लाइटली ओवर ओके okay. और आप देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है 50.7 काफी अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी 40.3 वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज और यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट इन द स्टॉक मार्केट द बेस्ट पार्ट इस कंपनी बिल्कुल ही डेप्ट फ्री है तो कंपनी को कोई भी असर नहीं देखने के लिए मिलता है इंटरेस्ट रेट हाइक का और यहाँ पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और एक काफी अच्छा अपरन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको दिखाया है लास्ट टू ईयर्स में आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो आपको इतनी हाई वैल्यूएशन पे नहीं देखने के लिए मिलेगी वेदर बी इट नामा वेल्थ वेदर बी इट अदर एम लाइक नीपॉन इंडिया और एच डी एफ सी एम सी एच डी एफ सी एम सी का तो पी ई फोर्टी फोर पॉइंट इलेवन का है और आनंद राठी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छी तरीके से सुधर रहे थे जिसकी वजह से मार्केट ने इसे रिवॉर्ड किया कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे थे आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट मी मेक इट लिटिल लेस 73, 77 एंड देन 80 और यहाँ पे डिप आया है तो देर देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको आनंद राठी के स्टॉक में एक करेक्शन होता हुआ दे, देखने के लिए मिल सकता है इन कमिंग डेज फर्दर आप देख सकते हैं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे काफी हद तक स्टेबल हो चुका है तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि आनंद राठी की स्टीम अब खत्म होते हुए आपको दिखाई दे सकती है ऑन चार्ट फर्दर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कंपनी के 48.20 एट परसेंट प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफ आई एस ने यहां पे स्टेक इंक्रीज किया था दिसंबर के महीने में 1.84 पॉइंट परसेंट से 3.01 पॉइंट ने यहाँ पे स्टेक को डिक्रीज किया था और काफी हद तक 40 परसेंट तक का माल आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखने के लिए मिलेगा राइट right. बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की तो ये है कंपनी का वीकली चार्ट आप देख सकते हैं एक मैसिव अपरन देखने के लिए मिला थाउजेंड टू फोर फोर टाइम्स आपका पैसा इस स्टॉक ने ऑलरेडी कर दिया है उसके बाद जब मिड कैप में करेक्शन आया तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया था आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक रफली 15 परसेंट करेक्ट हुआ और फिर से एक बार ऊपर आ चुका है विच शोज कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर्स है हाउ एवर देर इज वेरी लाइकली कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को करेक्ट होना चाहिए राइट right? अभी के लिए राउंडिंग बॉटम बना रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक 4125 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको नए हाइस भी देखने के लिए मिल सकते हैं यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दिस स्टॉक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बाद तो ये स्टॉक आपको फॉल करता हुआ भी दिखाई दे सकता है लेट मी रीसेट द चार्ट राइट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफी बड़ी रेड कैंडल आई है विच मीन्स यहाँ पे सेलिंग भी आपको देखने के लिए मिली है उसके बाद यहाँ पे मे बी अक्यूमलेशन हुआ है थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन आए हैं जिन्होंने बाइंग की है बट अभी के लिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिए दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टॉप दिस इज गोइंग टू बी डबल टॉप और ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे फिर से एक बार चौंतीस के लेवल पे आपको आता हुआ दिखाई दिया ओके okay? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको कॉशियस रहना चाहिए आनंद राठी में और अगर आपके पास है तो आप हाफ ऑफ योर पोर्टफोलियो जो है आनंद राठी का उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एटलीस्ट अपना प्रॉफिट तो सेव करने के बारे में सोच सकते हैं फर्दर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ये जो 3726 की लाइन है राइट दिस रेड लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और फर्दर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे 3400 के नीचे चले जाए तो यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो डिस्टॉर्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा और ये फिर उसके बाद आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है तीन हजार रुपये तक तो आनंद राठी के स्टॉक में आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं न्यू फ्रेश एंट्री इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बनती है और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कुछ दिन साइडवेज होकर राइट या नीचे से नीचे जाके करेक्ट हो फिर एक बार ब्रेकआउट दे फोर वन टू फाइव के लेवल का तब यहाँ पे आप दोबारा से एंट्री के बारे में सोच सकते हैं आनंद राठी के स्टॉक में दैट सेट फॉर टुडे आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवर व्यू ऑफ दी स्टॉक्स क्या मोमेंटम रहा रह सकता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या मैं करने वाला हूँ मैंने आपके साथ साझा कर दिया है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर विद य फ्रेंड्स एंड फैमिली दट सेट फॉर टुडे हैप्पी इन दिस टाइम